नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। डीपीके न्यूज से मैं धनसुख सैनी। धोद पंचायत समिति की 57 ग्राम पंचायतों के चुनाव कल संपन्न हो चुके हैं, तो इसी प्रकार से जाना ग्राम पंचायत में एक बार फिर ओबीसी महिला की सीट होने के नाते यहां का जो चुनाव है वो केसर देवी के नाम रहा है। केसर देवी के जो पति हैं दीपाराम बिजानिया, उनसे अपन बातचीत करेंगे। यहाँ अब की बार जो गांव की सरकार है वो दीपाराम बिजानिया के नाम रही है। दीपाराम जी, सबसे पहले आपका डीपीके न्यूज चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत सारी बधाई हो कि इस बार भी आपने अपने नाम ही गांव की सरकार की है। डीपीके न्यूज चैनल का जो आप हमारे पास है उनका बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ तक पधारे हैं। आप अपने जो चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा आया, इसका श्रेय किस किन को दे रहे हो? इनका श्रेय पूरी ग्राम पंचायत जानना की संपूर्ण समाज, सर्व समाज को पूरा सर्व सहयोग मान रहा हूँ कि सर्व समाज की ही इसमें राय है। दीपाराम जी, कुछ ग्राम पंचायत में आपके कार्यकाल, पिछले कार्यकाल में भी अनेक कार्य हुए थे, लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी रह गए। उन कार्यों को आप किस प्रकार से देखते हो कि यहाँ की जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य हो? आप जब पहले भी आए थे, आप चुनाव से पहले, तो पहले भी मैंने यही कहा था कि 2005 से 15 तक मेरे ही परिवार के सदस्य हैं। 2005 से 10 तक मेरे पिताजी सरपंच थे, 2010 से 15 तक मेरी मिसेज थी, और आज दोबारा पूरा सर्व समाज ने मेरी मिसेज को ग्राम पंचायत जाना के वासियों की सेवा करने का जो मौका दिया है, इस मौके को अवसर को पूरा एकदम खरा उतरूँगा। 5 साल में आने वाले कोई भी काम हो, जैसे मेन समस्या हमारी पंचायत में पानी की समस्या है, पानी की समस्या में गांव में, ढाणियों में, मंगरासी, जाना, चंद्र सिंहपुरा, नौजी की ढाणी, गुमानपुरा, सबसे पहले पानी की प्राथमिकता दी जाएगी। पानी के बारे में इतनी कोशिश करूंगा कि अगर किसी ढाणी तक भी पहुंचाना पड़े, हर ढाणी तक भी पहुंचाना पड़े तो भी पहुंचाऊंगा। हमारी पंचायत में पानी की थोड़ी कमी है। अगर यहाँ दो ट्यूबवेल पहले भी हमारे विधायक महोदय ने स्वीकृत करवा रखी है, अगर उनसे पानी हो गया और उनसे काम चल गया तो एक बार उनसे निकल लेंगे, अगर उनसे नहीं हुआ तो हमारी पड़ोसी ग्राम पंचायत भीमा में खूब पानी है, वहाँ से ट्यूबवेल करवा कर पूरी पंचायत को जोड़ा जाएगा और पूरी पंचायत में घर घर तक पानी पहुँचाएगा। आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या देखते हो विकास कार्यों को लेकर के ग्राम पंचायत स्तर पर? शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले भी आपको बोल रखा था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ, और मेरे पिताजी की भी यही सोच है कि भी हर बच्चों हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मेरे पिताजी निरक्षर है, बिल्कुल अनपढ़ है, फिर भी उन्होंने हम चारों भाइयों को ग्रेजुएट पढ़ाया। उनकी यही सोच थी कि मैं अनपढ़ रह गया लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य सुधरे, सबका भविष्य सुधरे। और आज ये जो राजनीति में हमें आए हैं, हमें राजनीति सेवा का मौका दिया है, ये भी उन्हीं की सेवा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद मानता हूँ मैं। सर्वोपरि मेरे पिताजी को ही आज मानता हूँ कि मेरे पिताजी का ही आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आज इस दिन में आप बराबर सर्व समाज के सामने खड़ा हूँ। दीपाराम जी, इस बार ग्राम पंचायत में एक महिला सरपंच होने के नाते आप महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार से देखोगे कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती है, समय पर अवृद्धावस्था पेंशन हो या फिर अन्य विधवा पेंशन हो या फिर अन्य किसी प्रकार की योजनाएं होती है वो बिल्कुल धरातल पर काम नहीं कर पाती, तो उसके लिए आप ऐसे क्या विशेष निरीक्षण करवाओगे ग्राम में या सर्वे करवाओगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को इस योजनाओं का लाभ मिल सके? हर परिवार का सर्वे करवाऊंगा, इसमें चाहे महिला का हो, चाहे बच्चों की कोई समस्या हो, चाहे बड़े बुजुर्ग की कोई समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हर समस्या को ध्यान में रखा जाएगा, हर समस्या को नोट करूंगा और उनका निराकरण पहले तो आपको पता है कोशिश करूंगा, अब कोशिश नहीं करूंगा, उनको पूरा करके दिखाऊंगा, उनको हर काम उनको पूरा करके दिखाऊंगा। कोई भी समस्या हो, विशेष तौर से जैसे शिक्षा के बारे में आपने अभी पूछा, शिक्षा के बारे में अभी चारों गांव में खेल ग्राउंड की बच्चों की सुविधा नहीं है। चारों गांव में स्कूलों के पास में चारों स्कूलों में खेल ग्राउंड बनेंगे, गांव में स्ट्रीट लाइटें, क्योंकि चारों गांव में भी स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई है कहीं भी हमारी पंचायत, वो लगवाएंगे। और स्वास्थ्य में मैंने पहले भी चारों गाँव में जगह अलॉटमेंट मैंने करवा दी थी, फिर भी चारों जगह हॉस्पिटल नहीं बना पाया। एक गुमानपुरा और चंद्र सिंहपुरा, दो ही गांव में हॉस्पिटल बन पाए और उनमें भी केवल ANM की ही सुविधा है, इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है। अब जो पीछे उधर अधूरे रह गए थे काम, वो दोबारा मुझे सेवा का मौका मिला है, अब उन कार्यों को पूरा करूँगा। ये हमारे साथ थे इस बार नवनिर्वाचित सरपंच केसर देवी के पति दीपाराम बिजानिया, कैमरामैन मोहम्मद वकील के साथ डीपीके न्यूज़ से धनसुख सैनी।